हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी जो टाइप्स होते हैं, जो कंपाउंड मोटर के टाइप होते हैं, उसमें हमने बात की थी जो कंपाउंड मोटर के टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट होता है। और जो शॉर्ट शंट और जो लॉन्ग शंट होते हैं उनके भी अपने प्रॉपर दो टाइप होते हैं। उनकी जो दो टाइप आते हैं वो आता है आपका क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। मैंने बताया था कि जो क्यूमुलेटिव होता है और जो डिफरेंशियल होता है उनमें किस प्रकार से हम डिफरेंशिएट करते हैं, और हमने ये भी समझा था कि जो आपका क्यूमुलेटिव होता है उसमें जो लॉन्ग शंट और जो शॉर्ट शंट की जो हम डेरिवेशन निकालते हैं, या फिर जो हम ईएमएफ का मान अगर उसमें फाइंड करना हो हमको, या फिर करंट निकालनी हो, या फिर हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, हमने उसका सर्किट डिजाइन किया था और उस आधार पर हमने बताया था। तो आज हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपसे इससे पहले वीडियो में कहा था कि हम जो आगे भी आने वाले जो वीडियो है उनमें बताया जाएगा कि एक्चुअल जो डिफरेंस होता है जो क्यूमुलेटिव और जो डिफरेंशियल में जो डिफरेंस होता है वो किस प्रकार से हम डिफरेंस को बता सकते हैं, कि कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं कि जो डिफरेंशियल होता है और जो क्यूमुलेटिव होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये हम समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये हमने बनाया है डायग्राम, ये बनाया डिफरेंस बिटवीन द क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल मोटर। मतलब कि जो डिफरेंशियल और जो आपका क्यूमुलेटिव होता है। पर इससे पहले हम बात करेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी कंपाउंड मोटर होती है उसमें क्या होती है, दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है सीरीज, एक होती है शंट। जो हमने पोल दिखा रखे हैं ये क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल, लेकिन है क्या ये दोनों, है ये कंपाउंड मोटर। देखो कंपाउंड मतलब होता है जिनमें दो वाइंडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे हमने जो दिखा रखा है ये क्या है, हमारी दो वाइंडिंग इस पे की गई है। पहले जो वाइंडिंग है ये शंट वाइंडिंग है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हाईएसएस से मैंने डिनोट कर रखा है, ये क्या है, शंट वाइंडिंग है। और जो यहाँ पे हमने दिखा रखी है ये क्या है, सीरीज वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की वाइंडिंग हमने कर रखी है इसमें, एक शंट वाइंडिंग है एक सीरीज वाइंडिंग है। अब हम क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, सीरीज और शंट दोनों प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। अब इसको हम समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से, हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे डिफरेंशियल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हमने यहाँ पे करंट के डायरेक्शन, सबसे पहले हमको चेक करना होता है करंट के डायरेक्शन कि एक्चुअल जो हमारे पास डायग्राम है उससे हम पता कैसे करेंगे कि ये क्यूमुलेटिव है कि डिफरेंशियल है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव है और ये भी ये नेगेटिव है। तो देखो इनके जो टर्मिनल है, मान लेते हैं ये दो टर्मिनल है ए बी और सी डी। अब देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए पे तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो ऊपर जो इसका टर्मिनल ऊपर वाला है इसमें तो पॉजिटिव है, लेकिन जो सीरीज वाइंडिंग का जो टर्मिनल आ रहा है इसमें क्या है, नेगेटिव कनेक्टेड है। जिसके कारण क्या होता है कि जो ए में जो करंट की डायरेक्शन है उसके इनवर्ट, मतलब उसके विपरीत होती है। इनवर्ट मतलब हम इनवर्ट का मतलब यहां पर यह है कि विपरीत होती है, कि मतलब जो करंट है, जो आपके शंट वाइंडिंग में जो करंट है और जो आपके सीरीज वाइंडिंग में करंट है, अगर इनमें करंट की डायरेक्शन, अगर इसमें कनेक्शन अपोजिट है, मतलब कि इनमें अगर करंट की डायरेक्शन अलग अलग है दोनों वाइंडिंग्स में, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसका पहला टर्मिनल पॉजिटिव है और इसका पहला टर्मिनल नेगेटिव है, तो जिस कारण क्या हो रहा है कि इसकी जो करंट है वो यहां से ट्रेवल कर रही है, और जो हमारी शंट वाइंडिंग है इसमें जो करंट ट्रेवल कर रही है इस प्रकार से इस वाइंडिंग में ट्रेवल कर रही है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि दोनों में क्या है, करंट की डायरेक्शन अलग है। अब देखो जब करंट की डायरेक्शन किसी भी सर्किट में अलग होती है, अगर किसी भी सर्किट में करंट की डायरेक्शन अलग होती है तो जो उसका फ्लक्स होता है उनको ही क्या होता है, अलग होता है। मतलब फ्लक्स में क्या होगा कि जो फ्लक्स फाई एस एच है, मतलब जो शंट वाइंडिंग का फ्लक्स है और जो सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स है, ये हमारी सीरीज वाइंडिंग है और ये हमारी शंट वाइंडिंग है, इनके द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, विपरीत होगा। अर्थात कि दोनों फ्लक्स क्या होंगे, विपरीत होंगे। जिस कारण जब दोनों फ्लक्स, क्योंकि दोनों में करंट अलग है तो दोनों के फ्लक्स भी अलग होंगे, और जब फ्लक्स अलग होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम इसे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहा जाता है, वाइंडिंग के टाइप के आधार पे, कि जो वाइंडिंग के टाइप के आधार पे हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, क्योंकि इसमें जो सीरीज और जो शंट की जो हमारा शंट और सीरीज के जो फ्लक्स होते हैं या जो उनकी करंट है वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जिसके कारण जो फ्लक्स, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं उनका फ्लक्स भी क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब जब फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है। अब दूसरा जो मैंने पोल दिखाया है ये क्या है, क्यूमुलेटिव के लिए, जहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसकी पॉजिटिव, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और इसका भी पॉजिटिव है,
जिस कारण क्या है, इसमें करंट की डायरेक्शन इन दोनों वाइंडिंग में, तो जो शंट वाइंडिंग है, जो सीरीज वाइंडिंग है, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। अब जब इन दोनों में ही करंट की डायरेक्शन सेम है तो हम कह सकते हैं कि इनका फ्लक्स भी क्या होगा, सेम पोलैरिटी का होगा, मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, जिस कारण हम क्या कह सकते हैं कि जिनका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई एस एच प्लस फाई एस सी। तो इस प्रकार से हम कैटेगराइज करते हैं वाइंडिंग के टाइप के आधार पर डिफरेंशियल और कंपाउंड मोटर की। जो करंट होती है, अगर करंट दोनों में सेम है तो हम कहेंगे वो क्यूमुलेटिव है, अगर करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में तो हम कहने के उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंशियल है और जो क्यूमुलेटिव है उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो आप लोग दिखाई दे रहा होगा, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया है कि जो डिफरेंस बिटवीन होता है किसके, क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बीच में। लेकिन अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की, क्योंकि इससे पहले मैंने जो बात की थी वो सर्किट के बारे में बात की थी, जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर उसके सर्किट के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो आज हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो आज हम बात करेंगे जो टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है शंट मोटर की, सॉरी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की। तो यह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहले हमको यह समझना होगा, अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को इस चीज से पता चल जाएगा कि जो टॉर्क होता है, अगर शंट मोटर की बात करते हैं तो जो टॉर्क होता है वो समानुपाती होता है। तो समानुपाती के चिन्ह को हमने हटा दिया है, एक्चुअली एक क्वेश्चन वाली होती है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, और ये होता था टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, और टॉर्क यहां से हमने क्या किया, समानांतर के चिन्ह को हटा दिया, यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया, और आई स्क्वायर को भी यहां से समानांतर चिन्ह को हटा के इसको क्या लिया गया, कांस्टेंट लिया गया। अब देखो जब हमने कांस्टेंट ले लिया है तो हमको पता चल चुका है कि जो, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है तो हमको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, सीरीज और संट की। अगर हमको सीरीज और संट की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पता है तो हमारे लिए जो क्यूमुलेटिव की कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है वो इजी हो जाती है फाइंड करने के, चाहे वो क्यूमुलेटिव हो चाहे वो डिफरेंशियल हो। इसके लिए हमको क्या होता है कि इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि जो सीरीज और संट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किस प्रकार से होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे पहले हमने बात की थी कि जो टॉर्क होता है, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो जो स्टार्टिंग में जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आईए के प्रोपोर्शनल होता है संट में, और जो टॉर्क होता है सीरीज में होता है आईए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। मैंने आपको ये बताया था कि बिफोर सैचुरेशन में कहा जाता है सीरीज के केस में, कि जो सीरीज के केस में होता था बिफोर सैचुरेशन क्या होता था, आईए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता था टॉर्क, और संट मोटर में हमेशा ही प्रोपोर्शनल चलता था, चाहे बिफोर सैचुरेशन हो चाहे आफ्टर सैचुरेशन हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता था, जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर्मेचर करंट के। तो यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि इसमें दोनों प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। तो देखो जो क्यूमुलेटिव होता है तो दोनों वाइंडिंग क्या होगा, एडिशन होगा, जो फ्लक्स होगा वो एडिशन होगा, और जो करंट होगी वो क्या होती है, एडिशन होती है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा टी टी टू टी इक्वल टू, ये दोनों इक्वेशन हमने जोड़ दी है, टू टी इक्वल टू के वन आई और आई ए प्लस, और इस प्रकार से आई ए स्क्वायर, और ये हमने क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को एडिशन कर दिया है, तो दोनों इक्वेशन मिलकर क्या हो रही है, टू टी इक्वल टू के वन आई ए प्लस के टू आई ए स्क्वायर। इसके बाद हमारे इक्वेशन में क्या हो जाता है कि ये हमने ये टू यहां से हमने क्या कर दिया है, यहां से यहां ले गया इसे, और इस प्रकार से हमारी इक्वेशन क्या है, टी इक्वल टू वन अपॉन टी आई ए के वन प्लस के टू आई ए। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको कांस्टेंट ले लेते तो हमारा, तो जो हमारा टी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई ए ब्रैकेट के वन प्लस के टू आई ए स्क्वायर के। ठीक है, अब होता है आफ्टर सैचुरेशन की बात करते हैं, कि जो आफ्टर सैचुरेशन, मतलब देखो सैचुरेशन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये यहां तक जो पॉइंट होता है इसे कहा जाता है बिफोर सैचुरेशन, इससे ऊपर जो पॉइंट होता है इसे कहा जाता है आफ्टर सैचुरेशन। ये होता है बिफोर सैचुरेशन, मतलब सैचुरेशन से पहले, ये होता है आफ्टर सैचुरेशन, मतलब सैचुरेशन के बाद। देखो जब सैचुरेशन के बाद होता था तो हमको पता है कि जो टॉर्क होता था शंट मोटर में भी क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था आईए के, और जो सीरीज मोटर होता है उसमें भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आईए के होता है। जब दोनों ही कंडीशन में आईए के प्रोपोर्शनल होता है, अगर हम इसको एडिशन करते हैं तो ये हो जाता है टू टी, इन दोनों का एडिशन करते हमने दोनों इक्वेशन का एडिशन किया तो गया टू टी, ये हो गया के आई सॉरी के के थ्री आई ए प्लस के फोर आई ए। तो इस प्रकार से एडिशन करके जब हमने एडिशन किया तो क्या हो गया कि ये टी इक्वल टू वन अपॉन टी सॉरी वन अपॉन टू आई ए के थ्री प्लस के फोर, और ये हो गया टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, क्योंकि यहां से क्या आ गया, बाकी हमने कांस्टेंट ले लिया है, क्योंकि जो वन अपॉन टू और ये के थ्री प्लस के फोर ये क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो इस प्रकार से जो आफ्टर सैचुरेशन होता है,
उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क होता है वो जो आपके सीरीज संट और जो कंपाउंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है इनमें क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके आर्मेचर करंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हमने समझ लिया है तो यहां से हमारे दो पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। पहला कि जो कंपाउंड मोटर होती है क्यूमुलेटिव टाइप उसमें क्या होता है कि जो टॉर्क होता है उसका बिहेव जो होता है या उसका जो व्यवहार जो होता है वो सीरीज मोटर की तरह होता है बिफोर सैचुरेशन। ठीक है, किसकी तरह होता है सीरीज मोटर की तरह होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम ऐसी जगह जहां पे हमको जरूरत होगी सीरीज मोटर की, अगर बाय द वे हमारे पास सीरीज मोटर नहीं है तो वहां हम रिक्वायरमेंट के तौर पे क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो बेसिक जो कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन तो नहीं कह सकते लेकिन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कहीं ना कहीं किससे मिलती है आपके सीरीज मोटर से थोड़ा बहुत मिलती है, जिसकी टॉर्क और लोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्योंकि इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईए के नहीं होता है, क्योंकि बिफोर सैचुरेशन क्या होता है कहीं ना कहीं हमारे पास बिल्कुल ही मतलब आईए स्क्वायर भी नहीं होता है, लेकिन ये बीच में लाई करता है किसके जो आपके संट मोटर होती है, क्योंकि अगर हम यहां डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो ये आपकी सीरीज मोटर होती है। ठीक है, और जो संट मोटर होती है उसका टॉर्क कुछ इस प्रकार से होता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो टॉर्क होता है किसके संट मोटर के इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें दोनों में क्या होता है आई स्क्वायर, एक में तो आई स्क्वायर होता है लेकिन इसमें आई स्क्वायर से तो थोड़ा कम होता है लेकिन संट से क्या होता है टॉर्क ज्यादा होता है स्टार्टिंग टॉर्क। तो इस प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन के आधार पे तो जो संट कम जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है वो बेसिकली किसकी तरह होती है सीरीज मोटर की तरह होती है कैरेक्टरिस्टिक वाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी टॉर्क और लोड की, अब हम बात करते हैं टॉर्क एंड स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। या फिर हम लोड पहले हम बात करेंगे लोड एंड या स्पीड एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, पहले स्पीड एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो जो स्पीड एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, अब देखो इसकी जो स्पीड एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है अगर हम बेसिकली बात करें तो इसमें क्या होते हैं दो फ्लक्स होते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो फ्लक्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं क्यूमुलेटिव टाइप की, अगर हम बात कर रहे हैं क्यूमुलेटिव टाइप की तो दोनों फ्लक्स क्या होंगे एडिशन होंगे, अगर हम बात करेंगे डिफरेंशियल टाइप की तो क्या होगा दोनों फ्लक्स में क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहां से हम समझते हैं इस चीज को कि देखो हमने ये तो पढ़ा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फाई पे, कौन फ्लक्स के, क्योंकि हमने इससे पहले जो हमारे वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बताया था कि ईबी इक्वल टू क्या होता है जेड पी फाई एन अपॉन 68। तो यहां से अगर हम बाकी कांस्टेंट ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं अगर हम एन को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि फाई अगर नीचे चला जाता है तो इनवर्स आ जाता है। तो यहां से हमको पता चलता है कि फाई क्या होता है स्पीड के क्या होता है इनवर्स होता है। ठीक है, अब देखो लोड का क्या है, जो लोड का लिंकअप होता है कहीं ना कहीं फ्लक्स से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये तो आप लोगों को समझ लिया होगा। ठीक है, कि हम फ्लक्स के आधार पर क्या करेंगे इसके स्पीड को स्पीड एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है क्योंकि जब कभी भी जब लोड बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है करंट बढ़ती है। ठीक है, अगर कभी लोड बढ़ता है तो क्या बढ़ती है करंट बढ़ती है। देखो अगर करंट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्या होता है क्योंकि करंट तो दोनों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है सीरीज भी होती है और संट करंट भी होती है, क्योंकि ये क्या है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है तो इसमें दोनों प्रकार की करंट होती है, तो मतलब दोनों प्रकार के करंट बढ़ेगी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है लोड, मैंने पहले भी कहा है कि जो लोड होता है वो एक्चुअल होता क्या है, क्योंकि लोड के आधार पर हम डिफाइन करते हैं करंट को, कि अगर किसी मतलब किसी मोटर में अगर लोड बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्या बढ़ती है उसमें करंट बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर लोड बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी क्या बढ़ रही है करंट बढ़ रही है। अब देखो इसमें दो करंट बहती है क्योंकि इसमें क्या होती है सीरीज वाले वाइंडिंग में भी एक करंट जाती है और शंट वाइंडिंग में भी एक करंट जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो करंट है तो दो फ्लक्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस एच, क्योंकि इसमें दो फ्लक्स हैं तो हम कह सकते हैं फाई एस, क्योंकि देखो ये क्यूमुलेटिव है हम पहले बात कर चुके हैं, जो क्यूमुलेटिव होता है उसमें दोनों फ्लक्स क्या होता है एडिटिव होता है। अब देखो ओवरऑल क्या होगा इसकी स्पीड घटेगी, ठीक है, लेकिन सीरीज मोटर की तरह नहीं, मतलब रिपीटली नहीं घटेगी, उसकी तुलना में क्या होता है थोड़ा कम घटती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि जो हमारा फाई एस एच होता है, क्योंकि फाई एस एच हम पहले कह चुके हैं ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट इसलिए होता है
क्योंकि आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि जो संट मोटर होती है उसका जो फ्लक्स होता है, जो उसमें वाइंडिंग में जो फ्लक्स होता है वो हमेशा ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब जब उसमें फ्लक्स फाइव एस एच कांस्टेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उससे फर्क पड़ेगा किस पे, फाइव एस सी पे, लेकिन होगा क्या, लगभग कांस्टेंट कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, तो मतलब वेरिएशन होगा, लेकिन किसकी तरह, सीरीज मोटर की तरह, क्योंकि फाइव एस एच तो कांस्टेंट है, तो जो इसमें वेरिएशन होता है स्पीड में किसकी तरह होता है, कहीं ना कहीं सीरीज मोटर की तरह होता है। तो हम, लेकिन पूरी तरह से सीरीज मोटर नहीं, क्योंकि प्योरली तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ इफेक्ट क्या होता है, संट वाइंडिंग का होता है कि वो उसे कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, और जो सीरीज वाइंडिंग होगी वो स्पीड को वेरिएशन करने की कोशिश करेगी। अब देखो दोनों वाइंडिंग के कारण कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेंगे इसमें। अब जो वो प्रभाव पड़ते हैं उसके कारण क्या हो जाता है कि इसकी स्पीड घटती तो है, लेकिन किसकी तरह, ना तो सीरीज की तरह घटेगी ना तो संट की तरह गिरेगी। तो इसकी स्पीड जो घटती है वो उनके मध्य में, मतलब उनके बीच में, मतलब उनके सेंटर में, हम कह सकते हैं कि ना तो इसकी स्पीड एकदम से कांस्टेंट होती है ना तो एकदम से वेरी करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, सीरीज मोटर की ज्यादा करीब होती है, क्योंकि जो संट फ्लक्स होता है वो क्या होता है, लगभग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक में हमको इतना ज्यादा नहीं लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक में सिर्फ हमको पता करना है, क्योंकि हमको पता है कि अगर फ्लक्स बढ़ता है तो कहीं ना कहीं करंट बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव एस एच प्लस फाइव ए, ठीक है, सॉरी फाइव एस एच और फाइव एस सी। तो यहां से हम कह सकते हैं लोड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं करंट बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं। अब यहां से हम इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तो हम कह, ये इस प्रकार से स्पीड और लोड की कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये हो गई आपकी स्पीड और ये हो गया आपका लोड, आएगी तो ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वेरी होगी, लेकिन उस प्रकार से नहीं जैसे सीरीज की होती है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं, और जो सीरीज की होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है, मैंने आएगी, ये सीरीज की होती है, तो देखो आप ये सीरीज की होती है और ये क्यूमुलेटिव की होती है, तो इस प्रकार से हम, अब देखो लोड, अब जो लोड और जो टॉर्क होता है उनका रिलेशन तो सेम ही होता है, तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक इसकी किसके साथ होगी, लोड के साथ होगी, वही कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाती है इसकी, फिर टॉर्क के साथ भी आ जाती है, कि जो स्पीड एंड टॉर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। यहां पे मैं बता देता हूं इसे, कि जो स्पीड एंड टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक होगी, स्पीड एंड टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक होगी वो भी कैसे होगी, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब सेम होगी, क्योंकि हमको पता है क्योंकि जो लोड होता है, जो लोड होता है उसी की तरह क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सेम होगी जैसे टॉर्क एंड लोड की, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक टॉर्क एंड लोड की भी यही होगी, सॉरी टॉर्क एंड लोड की नहीं, स्पीड एंड टॉर्क, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहां पे देख लिया है कि किस प्रकार से इसकी स्पीड एंड लोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहां पे, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हो, ठीक है, ये होता है। अगर हम बात करें इसकी जनरल, मतलब नोड की बात करते हैं, इसमें मेन नोड क्या होता है, देखो इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी जो इसकी होती है वो 3000 एचपी तक होती है, और इसका जो यूज होता है 1.5 केवी तक किया जाता है, ठीक है। और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लगभग कितना होता है, 2T to 3T होता है, ठीक है, मतलब तीन गुना तक हो सकता है। लोड टॉर्क का कितना गुना हो सकता है, तीन गुना हो सकता है, ठीक है। और बात करें स्टार्टिंग करंट की, तो जो स्टार्टिंग करंट होती है वो होती है IS = 2I, मतलब लगभग जो स्टार्टिंग करंट होती है वो लोड करंट की लगभग क्या होती है, दुगनी होती है, ठीक है। यूज की बात करें तो जिसके यूजेस जो होते हैं वो होते हैं रोलिंग मिल में होते हैं,
रोलिंग मिल में होते हैं, पंचिंग मशीन में होता है। देखो इसके जो यूजेज होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि काफी ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो इसका यूज होता है वो होता है कॉम्प्रेशर में, ठीक है, कॉम्प्रेशर या फिर एलिवेटर, एलिवेटर और गेट लिफ्टिंग में भी होता है, गेट लिफ्टिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो इस प्रकार से हम इसके बेसिक देखो, इसमें जो नोट होता है मेन चीज है कैपेसिटी 3000 एचपी से लेकर 1.5 केवी तक होती है, और जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है लगभग 2T से 3T होता है, स्टार्टिंग करंट होती है IS से 2I मतलब दुगनी होती है, और जो यूजेज होते हैं रोलिंग में होता है, और जो आपका पंचिंग मशीन होता है, और जो आपका कॉम्प्रेशर एलिवेटर गेट लिफ्टिंग या फिर आपका क्या हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया। तो ये बेसिक यूज है। अब हम इसके बाद बात करेंगे डिफरेंशियल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और सपोर्ट क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलता है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छा अपना वीडियो बनाऊं। और आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक में या इलेक्ट्रिकल संबंधी कोई भी टॉपिक हो जो आपको लगता है कि हाँ ये आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कि जो भी आपको ऐसा लगता है कि अगर थ्योरम हो गई या फिर आपके बेसिक में कोई डाउट होते हैं तो आप पूछ सकते हो, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके पूरे डाउट क्लियर करूं। धन्यवाद एंड गुड डे, थैंक यू।